मुजफ्फरनगर आज के इंटर कॉलेज में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर एवं जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मॉक संसद का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से देश की विभिन्न समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार से विभिन्न प्रश्न पूछे, जिसका छात्र मंत्रियों ने उत्तर दिए, जिसमें विपक्ष के छात्र सांसद संतुष्ट नजर आए। उक्त मॉक संसद से छात्रों को संसद की कार्यवाही संचालन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई। इसमें विद्यालय के छात्रों ने उत्सुकता से भाग लिया। उक्त मॉक सांसद ने छात्रों को संसद की कार्यवाही संचालन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई। इसमें विद्यालय के छात्रों ने उत्सुकता से भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार त्यागी, उप प्रधानाचार्य नितिन कुमार, स्वीप प्रभारी भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, वंदना कादियान, डॉक्टर सोहन पार आदि का विशेष सहयोग रहा। श्री गगन कुमार महोदय, मैं केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या टोल प्लाजा बनाने के लिए सड़क पर कोई दूरी भी निर्धारित है? यदि है तो वह दूरी कितनी है? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में ये उत्तर देना चाहता हूं कि सरकार ने टोल प्लाजा बनाने के लिए एक ही सड़क पर 50 किमी में केवल एक ही टोल प्लाजा होगा। यदि 50 किमी की दूरी में कोई अन्य टोल प्लाजा होता है तो उसे तुरंत ही हटा दिया जाएगा। अध्यक्ष जी कहो। प्रश्न नंबर 5, श्री अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि देश में हो रही बेतहाशा महंगाई को ध्यान में रखते हुए क्या देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने का विचार कर रही है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसद सदस्य का उत्तर देते हुए आपको यह बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।